हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दही बड़े। दही बड़े और दही भल्ले भी बोल सकते हैं इसको। एक बनाएंगे हम मीठी चटनी वाले, एक बनाएंगे हम खट्टे दही वाले। तो बनाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को क्लिक करें ताकि आप मेरा वीडियो सबसे पहले देखें। तो शुरू करते हैं। तो ये मैंने एक कप खड़े मूंग की दाल ली है और एक कप धुले उड़द की दाल ली है। दोनों को रात में पानी में भिगो दिया था और सुबह मैंने इसका पानी निकाल दिया है। ये देखिए इस तरह है। और ये है अदरक का पेस्ट, ये भी डालेंगे हम इसमें। और ये हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम दाल को पीस लेते हैं। दाल को हम आधा आधा करके पीसेंगे। दाल को बारीकी पीसना है। उसमें हरी मिर्च भी डालेंगे और थोड़ा पानी भी डालेंगे। और इसको बारीक महीन पीसना है। एक बार इसको बीच में चला देंगे और थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि ये ऊपर नीचे अच्छे से पिस जाए। एक बार फिर से हम इसको चलाएंगे। ये देखिए हमारी दाल अच्छे से पिस गई है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इसी तरह सारी दाल को पीस लेंगे। और अब इस दाल में हम 1.5 चम्मच के करीब अदरक का पेस्ट डालेंगे। और अब हम इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे। और इसमें साइड में जो बेकिंग सोडा रखा है इसको हम तलते वक्त डालेंगे। जब हम तलेंगे तब हम डालेंगे। उससे पहले हम दाल को बहुत ज़्यादा फेंटेंगे। ये देखिए ये 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा है। इसको हमें 10 से 15 मिनट दाल को फेंटना है, अच्छे से फेंटना है ताकि हमारी दाल फूल जाए और इसका कलर चेंज हो जाए। ये एकदम हल्की सी क्रीमी टाइप की दिखने लगे। और बेकिंग सोडा तभी डालना है जब साइड में आप तेल गर्म करने के लिए रख दें और तभी बेकिंग सोडा डालें इसमें, क्योंकि बेकिंग सोडा डाल के इसको ज़्यादा देर नहीं रख सकते। ये देखिए हमारी दाल कैसी सॉफ्ट सॉफ्ट क्रीमी टाइप की दिख रही है। अब हम इसको ऑयल में डालेंगे। ऑयल भी हमारा बिल्कुल मीडियम गर्म होना चाहिए और लो फ्लेम पर ही सेकेंगे ताकि बड़े अंदर से अच्छे से सिक जाएं, कच्चे ना रहें। इसको एक चम्मच से ही डालते रहेंगे, हाथ लगाने की ज़रूरत नहीं है। चम्मच से ही अच्छे से फैल जाएंगे ये। ये देखिए हमारे बड़े एक साइड हो गए हैं। अब हम इसको पलटा देंगे, दूसरे साइड भी सेक लेंगे। हल्के ब्राउन करना है इसको। ये देखिए लगभग हो गए हैं। इसको हम किसी किचन टॉवल या टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे ताकि इसका जितना भी ऑयल है वो उसमें निकल जाए। इसी तरह सारे बड़े को हम तल लेंगे। ये देखिए हमारे सारे बड़े तल गए हैं। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं। अब हम आपको बताते हैं इसको स्टोर कैसे करना है। आप एक कंटेनर में इसको रखें सारे बड़े को और इसको फ्रीजर में रख दें। ये करीब 1 महीने के लिए आप रख सकते हैं। और जब भी आपको खाना हो इसको आप निकालेंगे और गर्म पानी में, हल्के कुनकुने पानी में इसको 5 मिनट के लिए डालेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद उसको पानी से निकाल के दबा दबा के उसके पानी निकाल देंगे। उसमें फिर दही में डाल के और चटनी डाल के आप खा सकते हैं। इसी तरह अगर आपको किसी फंक्शन के लिए बनाना है या त्यौहार के लिए बनाना है
तो आप इसको पहले से बना सकते हैं। जैसे जिस तरह ईद आने वाली है तो आप इसको एक हफ्ते पहले बना के फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं और ईद वाले दिन इसको निकाल के मेहमानों को खिला सकते हैं। तो इससे हमारा टाइम भी बचता है और हमारी मेहनत भी बचती है। तो ये देखिए, हमने दूसरे दिन इसको फ्रीजर से निकाला है और अब हम इसको दही में डालेंगे। कैसे, देखिए, इसको हम हल्के कुनकुने पानी में डालेंगे। आपको जितने बनाना है आप उस उतने ही निकालें और पानी में डाल दें। आप पानी में नमक भी डाल सकते हैं हल्का सा। ये देखिए, हमारे बड़े फूल गए हैं। अब हम इसको एक बाउल में निकालेंगे। तो बाउल में पहले एक दही लिया है, इसको फेंट लिया है, इसको हम पहले बाउल में दही डालेंगे, अच्छे से फैला देंगे। और उसके बाद ये जो बड़े हैं इसको हम दबा दबा कर इस तरह दबा के इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसको दही में डाल के, दही में डिप करके, दही अच्छे से लपेट के इसको ऐसे लगाते जाएंगे। इसी तरह सारे बड़ों को इसमें दही में डाल डाल के, दही में लपेट के उस बाउल में डालेंगे। अब हम इसमें मीठी चटनी डालेंगे। मीठी चटनी का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप चेक कर लें कैसे बनती है। तो ये गुड़ की चटनी है, इसको डालेंगे। उसके बाद हम मसाले डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, ज़ीरा पाउडर डालेंगे और ये है ब्लैक सॉल्ट यानी काला नमक, और ये नमक डालेंगे इसमें, टेस्ट के हिसाब से डालेंगे आप। और फिर से इसमें ऊपर से एक बार और हम इसको लगाएंगे। एक लाइन लगाई थी उसके ऊपर मसाला डाला था, आप दूसरी लाइन लगा के फिर से मसाला डालेंगे, चटनी डालेंगे। ये देखिए इस तरह करेंगे, फिर मसाला डालेंगे। इस तरह सारे बड़े में मसाले अच्छे से आ जाते हैं। ये देखिए हमारा मीठी चटनी वाला दही बड़ा रेडी है। अब हम बनाएंगे खट्टे दही वाला। तो ये देखिए मैंने फ्रीजर से फिर निकाला है और इसको हम फिर से गर्म पानी में डालेंगे, हल्के कुनकुने वाले पानी में डालेंगे। ये देखिए सारे कैसे जमे हुए हैं। ये देखिए इसको हमने पानी में डाल दिया है 5 मिनट के लिए, तब तक हम अपना दही रेडी कर लेंगे। ये 1/2 किलो दही है, इसको हम अच्छे से फेंटेंगे और इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। आप टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर, नमक और ये काला नमक, और ये है लहसुन का पेस्ट, गार्लिक पेस्ट। इन सब चीज़ों को डालना है और पानी डालना है, दही को थोड़ा पतला करना है। दही को अच्छे से फेंटेंगे ताकि सारी चीज़ें मिल जाएं अच्छे से। दही आप पतला और गाढ़ा अपने हिसाब से रख सकते हैं। और ये देखिए हमारे बड़े नरम हो गए हैं। अब हम इसको ऐसे पानी से निकाल निकाल के दबा दबा कर इस तरह दही में डाल देंगे। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हैं ये, कहाँ बिल्कुल हार्ड थे और पानी में जाके बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं। सारा निकाल के हम दही में डाल देंगे और ये देखिए जितना भी इस बड़े में ऑयल था ये सारा पानी में निकल जाता है। एक फ़ायदा ये भी है कि हमको ऑयल हमारे अंदर ज़्यादा नहीं जाता है। अब हम इसमें एक तड़का लगाएंगे, क्योंकि जो खट्टे वाला दही का बनता है बड़ा, उसमें जीरे का तड़का लगता है। तो ज़ीरा डालेंगे और हींग डालेंगे
और इससे हम इसको बघार देंगे यानी तड़का मार देंगे। ये इसमें डाल देंगे, ये देखिए। ये देखिए हमारा खट्टे दही वाला दही बड़ा रेडी है। ये देखिए, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपका बना है तो कैसा बना है।